बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज आपके लिए 2-in-1 रेसिपी लेके आई हूँ, मैक्रोनी प्लस इंस्टेंट नूडल्स। और ये बहुत अच्छी रेसिपी है, इसको फॉलो करके आपके नूडल्स बिल्कुल सॉगी नहीं बनेंगे और बेहतरीन रिजल्ट आएगा। रेसिपी फुल देखिएगा। सबसे पहले पैन में 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल और एक छोटी बारीक कटी हुई प्याज आप इसमें ऐड कर दें और ट्रांसलूसेंट होने तक इसे पकाएं। लहसुन अदरक का पेस्ट वो शामिल करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून और इसे भी अच्छे से सौते कर लेंगे। चिकन है 200 ग्राम्स वॉश करके छोटे छोटे क्यूब्स में डाइस कट करके इसके अंदर ऐड कर लीजिए और इसे तब तक फ्राई कीजिए जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। कवर करके करीबन 5 से 7 मिनट आप इसे पकने के लिए रख दीजिए। स्पाइसेस में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स एंड पाउडर और 1/4 टेबलस्पून ब्लैक पेपर। और इसमें इंस्टेंट नूडल का मसाला जो है वो हम ऐड करेंगे। 3 पैकेट नूडल्स थे तो 3 ही पैकेट हम इसमें मसाला शामिल करेंगे। 1 अदर टमाटर पील करके प्योरी बना दीजिए, वो भी इसमें शामिल कर दीजिए और कवर करके तब तक पकाइए जब तक सारी चीज़ें अच्छे से गल नहीं जाती। अब इसमें शामिल कीजिए 1 अदद शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, से ओवर कुक नहीं करना है। मैक्रोनी को अच्छे से बॉईल करके 98% वो इसमें शामिल कर दीजिए और नूडल्स हैं 3 पैकेट वो भी बॉईल करके इसमें शामिल कीजिए। याद रखिएगा इसे ओवर कुक नहीं करना, ना ही बॉईल करते वक्त ना ही मिक्स करते वक्त। मिक्स कीजिए, सर्व कीजिए। और हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।